देखो देखिए, सबसे पहले जो है, ठीक है, हाँ जरा सब बताओ, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? फाइव, ठीक है। उस ग्रुप का नाम क्या है? किंगडम, उसको हम लोग किंगडम्स कहते हैं। कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। और हर एक किंगडम में बहुत सारे क्या है, ठीक है, फाइलम है, ठीक है। तुम लोग कुछ ऐसे करके याद कर सकते हो, ऐसे हम इतनी बार बोलेंगे याद हो जाएगा। तो याद रख करने का जो है कुछ टेंशन नहीं है, रुक गया। देखो, याद करने का टेंशन नहीं है, ठीक है। किंगडम में बहुत सारे क्या होंगे? फाइलम्स होंगे या डिवीजन होंगे। हर एक डिवीजन, हर एक फाइलम में बहुत सारा क्लासेस होगा, हर एक क्लास में बहुत सारा ऑर्डर्स होगा, हर एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज, हर एक फैमिली में बहुत सारे जेनस, और हर एक जेनस बहुत सारे स्पीशीज होगा, ठीक। ये हो सकता। तो आपने देखा यहाँ पे, अब हम लोग क्या देख रहे थे? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो तीसरा चैप्टर था, ये लिखा था तुम लोगों ने, ये वो लिखा था, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो तीसरा चैप्टर था, तो कायदे के हिसाब से पहला जो चैप्टर था वो क्या था? मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, यही था था एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो इस हिसाब से प्लांट का तो हमने पढ़ लिया ओवरऑल, इस हिसाब से एनिमल का भी हम यही लिखना चाहिए था हमको, मॉर्फोलॉजी ऑफ द एनिमल, एनाटॉमी ऑफ द एनिमल लिखना चाहिए था, एनसीईआरटी वही लिखना है। लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ और लिखा हुआ, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। क्या है ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन? देखो क्या लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, देखो, खोलो एनसीईआरटी, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ठीक है, इन एंड, ओ सॉरी, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। ये देखा होगा आपने, ऐसा क्यों? इसमें तो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन बताते हैं तुमको। देखो, जान तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, कितने हैं तुमको बताया था? 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज। उसमें से 70% जो है ना वो एनिमल है, 70% एनिमल, और 30% में, ठीक है, वो मान लीजिए, ठीक है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, फंजाई, ये सब है। 70% क्या है? एनिमल है। तो एनिमल बहुत अलग अलग तरह का है। 70% होने का मतलब क्या? एनिमल सारे के सारे एनिमल एक ही तरह के होंगे कि बहुत अलग अलग तरह के होंगे? बहुत अलग अलग तरह के होंगे। प्लांट के साथ ऐसा हमने इसलिए लिख दिया था कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि प्लांट में डिफरेंसेस बहुत कम होता है। सारे के सारे करीब करीब प्लांट जो हो, चाहे एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, ये करीब करीब जो है वो एक तरह के होते हैं, इसलिए इनको एक जगह पे पढ़ लिया। लेकिन अगर एनाटॉमी भी एक तरह के, लेकिन आप एनिमल में अगर आप देखिएगा तो एनिमल बहुत ही डिफरेंट तरह के होते हैं। आप सोचिएगा, एक एनिमल है हाइड्रा, उसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ लिया तो इंसान की भी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी जो है वैसी ही होगी, तो ये आप गलती करेंगे। आपको एनिमल में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एनिमल जानते हो 1.7 1.8 का 70% क्या है? वो एनिमल, एनिमल बहुत तरह का, डिफरेंट तरह का होता है। तो आप हाइड्रा पढ़ करके ये नहीं सोच सकते हैं कि आपने इंसान भी पढ़ लिया। तब आपको क्या करना होगा? सारे जानवर को अलग अलग पढ़ना होगा, सारे जानवर को अलग अलग आपको पढ़ना पड़ेगा, समझा? वो प्लांट्स की तरह काम नहीं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ इन एनिमल, एनिमल्स में कैसा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब तुम हमको बताओ,
जो जानवर के बारे में तुम पढ़ना चाहते हो उसके बारे में बोलोगे, उसके बारे में हम पढ़ा देंगे। कौन से जानवर के बारे में पढ़ना चाहते हो? लायन के बारे में। और बोलो, और बोलो, टाइगर के बारे में, और जिराफ के बारे में। बस हो गया, अब इतना पढ़ोगे तो टाइम ही चला जाएगा। ये तीन के बारे में है ना। अपने बारे में नहीं पढ़ना चाहोगे? ह्यूमंस के बारे में पढ़ना चाहोगे ना, तो ह्यूमन ये भी पढ़ेंगे। तो लायन पढ़ेंगे, टाइगर पढ़ेंगे, जिराफ पढ़ेंगे, ठीक है। और तुम लोग को भी कुछ ख्वाहिश है पढ़ने की, तुम क्या पढ़ना चाहती हो बोलो, जो बोलोगे पढ़ा देंगे। बोलो, तुम लोग की ख्वाहिश है कुछ पढ़ने की? तुम लोग की है कोई ख्वाहिश पढ़ने की? जो बोलोगे, हाँ बोलो बोलो, जो बोलोगे पढ़ा देंगे। ज़ेब्रा, ठीक। ये इतना मतलब कि पांच जानवर के बारे में पढ़ना, ना आपके मर्जी से चलेगा ना मेरे मर्जी से चलेगा, समझे। जो एनसीईआरटी बोलेगी वही पढ़ेंगे। ये लगातार धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं, लायन, टाइगर, जिराफ, फलाना, ढिमकाना, हैं, बिल्ली, कुत्ता, ना आपके मर्जी से चलेगा ना मेरी मर्जी चलेगा, समझे आप, ठीक है। आपको जो एनसीईआरटी बोलेगी वही हमको पढ़ना है। एनसीईआरटी बोलती है कॉकरोच पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है अर्थवर्म पढ़ो, और एनसीईआरटी बोलती है फ्रॉग पढ़ो। ये तीन के बारे में एनसीईआरटी बोलती है, हमको यही पढ़ना पड़ेगा। अब अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है, समझे आप, ठीक है। लायन टाइगर नहीं चलेगा यहाँ पे। तो आपको अलग अलग सारे जानवर को पढ़ना पड़ेगा। आपको कॉकरोच, अर्थवर्म, फ्रॉग प्लस ह्यूमन, हाँ ह्यूमन को एनसीईआरटी ने पढ़ाया, इनकी मॉर्फोलॉजी, इनकी एनाटॉमी। तो आप देखेंगे ह्यूमंस के बारे में एक अलग से पूरा का पूरा फाइलम सबका दिया हुआ है। ह्यूमंस के बारे में पूरा पूरा एक यूनिट दिया हुआ है, उसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। पांचवा यूनिट है आपके 11 का, सबसे बड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा है। समझ लीजिएगा तो बहुत आसान है, और अगर नहीं समझिएगा तो रटते रटते हालत खराब हो जाएगी, नहीं रट सकते हैं उसको आप, ठीक है। बहुत आसान है, रट लीजिएगा, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमंस के बारे में, बाकी कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग के बारे में हम कहाँ पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जानवर में इतना डिफरेंसेस है तभी तो सारे जानवर को अलग अलग पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा हो कि जो जो जानवर में जो जो चीज कॉमन है, सारे जानवर में जो चीज एक ही तरह की है, उसको एक जगह पे अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है? वो सब जानवर में एक ही तरह का, एक ही जगह पे पढ़ लें वो सब, है कि नहीं, काहे के लिए अलग अलग उसको करते रहे। सबसे पहला सेल्स के बारे में जानते हो, सारे जानवर में सेल्स एक ही तरह का होता है। कौन तरह का? यूकैरियोटिक सेल। सेल दो तरह का होता है, ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक का, दूसरा यूकैरियोटिक। कैरियन का मतलब जानते हो तुम लोग, ठीक है। सेल्स जो है वो दो तरह का होगा, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। कैरियन का मतलब जानते हो तुम लोग? ये वर्ड कैरियोटिक कहां से आया? कैरियन से आया। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है? यू का मतलब होता है एडवांस, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, और ये एडवांस, नया। ये जो यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक, इसमें नया एडवांस न्यूक्लियस, और जो प्रोकैरियोटिक है इसमें पुराना न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस, दो तरह का सेल होता है। अब देखो जो पांच किंगडम है ना, कौन कौन है, नाम बताओ। सबसे पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, बोलो, फंजाई, फिर एनिमेलिया। ये जो पहला वाला जो है ना मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सब में यूकैरियोटिक सेल। एनिमेलिया में, सारे एनिमेलिया में कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। तो आप देखेंगे कि सेल्स के बारे में अगर हम एक ही जगह पे इसी में सेल्स के बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लें तो आपको दिक्कत है, सारे में तो एक ही तरह का है। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन, ठीक है, एनिमल्स में हम लोग यूकैरियोटिक सेल को एक जगह पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इस चैप्टर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल्स के बारे में एक अलग सा यूनिट दिया हुआ है,
सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वहां पर आप यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट दोनों सेल के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब रुको, बहुत सारा सेल आपस में मिल जाता है तो कौन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, कौन सा स्ट्रक्चर, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जानते हो सारे जानवर में चार ही तरह का टिश्यू है, सिर्फ चार तरह का, एपिथेलियल टिश्यू, एक क्या है एपिथेलियल, दूसरा क्या होता है कनेक्टिव, तीसरा क्या होता है मस्कुलर, चौथा क्या है, चार तरह का सिर्फ क्या होगा इसमें सेल्स होगा, यही सिर्फ चार तरह का सेल्स होगा, समझे, यही चार तरह का टिश्यू होगा, सिर्फ चार ही तरह का सारे जानवर में टिश्यू है, तो सारे जानवर में टिश्यू क्या है कॉमन है। अगर हम लोग उसको एक ही जगह पढ़ लें तो कोई दिक्कत है, तो हम लोग टिश्यू के बारे में या टिश्यू सिस्टम को एक जगह पे पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में, वही चार तरह का टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, प्लस कॉकरोच अर्थवर्म और फ्रॉग के बारे में भी पढ़ लेंगे, कॉकरोच अर्थवर्म और फ्रॉग के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, बहुत सारे आपस में टिश्यू अगर मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। लेकिन यहां से ऑर्गन डिफरेंट हो जाएगा, एक ठीक है बिल्ली का ऑर्गन और हमारा ऑर्गन सेम है, ठीक है, एक पिग का ऑर्गन और हमारा ऑर्गन सेम है, पिग को देखा है स्नाउट होता है, हमको है, हम लोग को नहीं ना है, ऑर्गन हमारा सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। घोड़े का ऑर्गन हमारा ऑर्गन सेम है, घोड़े को देखा है पूंछ होती है, हमको पूंछ है, हालांकि घोड़े में वही चार तरह का टिश्यू है जो हम हमारे अंदर, तो टिश्यू को तो एक जगह पढ़ लिया लेकिन आप ऑर्गन को एक जगह पे नहीं पढ़ सकते, है ना, इसलिए ऑर्गन पढ़ने के लिए सिर्फ चार ही तरह का जानवर हम लोग पढ़ सकते हैं, उतना टाइम नहीं है, कॉकरोच अर्थवर्म और फ्रॉग और एक ह्यूमंस, इनका जो है ऑर्गन अलग अलग हमको पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गन डिफरेंट होने लगता है, बात आ रही है समझ में, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ो, दो बच्चे दो, इससे पिछले बार भी दो और उसके पिछले बार भी, ठीक है, दो बच्चे को बिना सेल्फ स्टडी किए 360 में 360 आ गया, शाली रजा, ठीक है, और दूसरा अनन्या, बिना सेल्फ स्टडी के 360 360, और उनको भी वैसे ही पढ़ा था जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, हम जानते हैं कहाँ पर किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हमको आलतू फालतू चीज़ पढ़ाने का शौक नहीं है, एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ पढ़ा कुछ रहे हैं, ठीक है, तो नहीं, तो जैसे जैसे तुम बोल रहे हैं बस एकदम ध्यान बैठे रहो, यही तुम्हारा रास्ता है 360 का, और कम मेहनत में, कम मेहनत विदाउट सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपको दो सब्जेक्ट और पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो है ना मेरी बात, दो सब्जेक्ट आपको और पढ़ना है, उस पर भी ध्यान रखना है, हम तुम्हारी बायोलॉजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, सेल्फ स्टडी भी जो करना होगा, ठीक है, ये नहीं मतलब हम ही कर लेंगे, ठीक है, सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हम करवा देंगे, ठीक है, सेल्फ स्टडी करने की हम यहीं करवा देंगे, क्लासरूम में करवा देंगे, ठीक है, तो ये जो पढ़ाई आपकी हो रही है विदाउट सेल्फ स्टडी के लिए हो रही है, ठीक है, पढ़ाने को क्या हम इतना तो पढ़ा दें, इतना तो पढ़ा दें, बोलें कि लो या इतनी मोटी मोटी दो किताब दे दें, लो इसी से आएगा, कहीं पढ़ सकोगे, और अगर पढ़ लिए तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या होगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी रटते रह जाइएगा आप, ये बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ में सोचते हैं अरे एनसीईआरटी इतनी इतनी तो है रट जाएंगे, 70-75 बार रटना पड़ेगा तब जाके एनसीईआरटी आपके दिमाग में बैठेगी, बिना समझे अगर पढ़ेंगे, और अगर 70-75 बार एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा बायोलॉजी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कब पढ़िए, है कि नहीं, ऐसा नहीं ना भाई 100% जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है, 50% जो है बायोलॉजी से है, 25-25 फिजिक्स केमिस्ट्री बेस से भी तो है, अब मार्क्स ऐसा आपको लाना पड़ता है, बहुत तीनों सब्जेक्ट में बहुत हेवी आपको स्कोर करना पड़ेगा, 90% से प्लस स्कोर करना पड़ेगा तब जाके सिलेक्शन होता है, बहुत अब हेवी मार्क्स पे होता है, समझे, तो टिश्यू सिस्टम को हम लोग इससे पढ़, और प्लस क्या पढ़ लेंगे भाई, कॉकरोच फ्रॉग और अर्थवर्म भी इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल,
मॉर्फोलॉजी यानी एनिमल लिखा रहता है या एनाटॉमी यानी एनिमल रहता है, इसका मतलब ये होता है कि सारे एनिमल को हम लोग सारे एनिमल की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एक ही जगह पढ़ते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एनिमल में डिफरेंसेस, एनिमल में डाइवर्सिटी डिफरेंसेस क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या सेकेंड यूनिट, क्या हो गया ये सेकेंड यूनिट हो गया। अब थर्ड यूनिट की बात करते हैं, थर्ड यूनिट की तो यूनिट में समझ लो ना ये सब, ठीक है। थर्ड यूनिट में अगर आप देखें, ठीक है देखो रुक जाओ, यूनिट थर्ड इसको लिखो, इसको लिख लिए ये से छोड़ दो, बस इतना ही लिखो। ये लिखो, ये कौन सा यूनिट में आएगा, ये सब चैप्टर्स कौन सा यूनिट में आएगा, यूनिट कौन सा यूनिट है, यूनिट टू क्या नाम है, क्या नाम है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन इन प्लांट्स एंड एनिमल, लिखो लिखो। लिखा आगे बढ़े हैं, थ्री है सेल्स क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्ट्रक्चर्स, देखो सेल का सेल और सेल, सेल के ऑर्गेनेले, ये सेल है, सेल के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनेले सेल का पार्ट होता है, यस है, न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, समझे। तो ये सेल का और सेल के ऑर्गेनेले का हम लोग को क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, एंड और सेल के ऑर्गेनेले का फंक्शन भी पढ़ना, क्या पढ़ना, क्या फंक्शन करता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों पढ़ना, ठीक है। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो कौन सा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। मेजरली अगर आप देखेंगे वही सेल और सेल का ऑर्गेनेलेस का स्ट्रक्चर और फंक्शन इसी में पढ़ना, कौन कौन सा ऑर्गेनेले होता है, कौन कौन सा प्लांट सेल में होगा, कौन कौन सा एनिमल सेल में होगा, है ना, और उनका ठीक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों पढ़ें। अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आप जानते हैं कि हमारा जो पूरा सेल है वो किस चीज़ का बना हुआ है, हमारा हमारी पूरी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है, सेल की, और हमारा सेल किसका बना हुआ है, जो भी सेल में देखो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म होगा, ये सब तो जानते होगे, प्रोटोप्लाज्म ये सब जो भी सेल है वो सिर्फ सात चीजों का यानी कि सेवन थिंग्स का बना हुआ, और यही सात चीज सेल भी बनाता है, यही सात चीज सेल पूरी बॉडी बनाता है, यानी पूरी बॉडी हमारी कितने चीजों की, कितने केमिकल की बनी हुई है, सेवन, ठीक है सेवन।
देखिएगा, सेवन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी का, पहला बताइए, पहला है प्रोटीन, ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, इसको एकदम याद रखना है, ये अगर याद रखिएगा तो आपको बायोलॉजी में 14-15 जगह बहुत आसानी हो जाएगी, हम डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, तो बहुत आसानी से बायोलॉजी पढ़ लोगे, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, तीसरा लिपिड, चौथा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इसमें दो आता है, एक आता है डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, और वाटर और मिनरल्स, और बोलो विटामिन्स, विटामिन्स ये, ठीक है। अब देखोगे जरा सा, ये देखो, ये जो तुम्हारी छह है, गौर कर, ये जो इतने हैं, ये जो इतने हैं, ठीक है, और प्लस विटामिन्स भी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक, रुक जाना एक सेकंड। देखो विटामिन्स जो है वो सिर्फ हायर ऑर्गेनिज्म में रहता है, कौन कौन था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर एनिमिलिया, तो प्लांटी और एनिमिलिया जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जबकि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ये लोअर एनिमल है, ठीक है। ये जो तुम विटामिन्स जो देख रहे हो ना, हो ये सिर्फ जानते हो किस में रहेगा, सिर्फ हायर ऑर्गेनिज्म में रहेगा, हायर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि सिर्फ तुम्हारा, हायर का मतलब सिर्फ तुम्हारा किस में रहेगा, ठीक है, प्लांटी और एनिमिलिया में, इसके ये तो छह तो रहना ही रहना है, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इसमें सिर्फ कितना रहेगा, छह रहेगा, प्रोटीन से लेकर के मिनरल्स तक। वायरस लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है, वायरस क्या होता है, लिविंग या नॉन लिविंग? देखो वायरस जब सेल के अंदर रहता है, आ जाता है ना, वायरस जब सेल के अंदर आ जाएगा, वायरस जब सेल के अंदर आ जाता है तो लिविंग हो जाता, और यही वायरस सेल के बाहर रहता है तो नॉन लिविंग होता है। ऐसा जानते हो क्यों? क्योंकि वायरस सिर्फ दो चीज से बना रहता है, एक प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। तो बताओ दो चीज किसी में भी रहेगी, जिंदा रहने के लिए कम से कम छह चीज की जरूरत, तो दो चीज किसी में रहेगी, किसी चीज में भी रहेगी, वो जिंदा रहेगा कि मरा हुआ रहेगा, वो क्या रहेगा, मरा हुआ रहेगा, है ना। और जैसी, तो ये वायरस में सिर्फ दो ही चीज है, तो मरा हुआ है, और जैसी वायरस सेल के, होस्ट सेल कहते हैं, होस्ट सेल इसको कहते हैं जिसके अंदर वायरस जाता है, जैसी वायरस होस्ट सेल के अंदर आता है, कितनी चीज घट रही थी उसको जिंदा रहने के लिए, चार, वो चारों चीज यानी प्रोटीन और कार्बो, न्यूक्लिक एसिड पहले से था, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वाटर, मिनरल्स, कहाँ से ले लेता है, इस होस्ट सेल से ले लेता है और जिंदा हो जाता है। फिर तो जो तमाशा बना करता है, ये देख ही लिया अभी आप लोगों ने, ठीक है, जिंदा हो जाता है, वो चार चीज ले लेता है, समझे। तो कम से कम जिंदा रहने के लिए छह चीज जरूरी है। हाँ, हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट या एनिमिलिया में विटामिन भी प्रेजेंट होता है। अगर आप देखेंगे ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक प्लस विटामिन भी, ये सब क्या होता है, ये ऑर्गेनिक होता है, और ये दोनों जो हैं, देखो कौन कौन, वाटर और मिनरल साइंस, मिनरल समझ रहे ना, है इनऑर्गेनिक मिनरल्स है, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक, ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये इनऑर्गेनिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स से पढ़ेंगे, और वाटर और मिनरल्स के बारे में प्लांट फिजियोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ये बात समझ में आई तुम लोगों को, विटामिन्स भी क्या होता है, ऑर्गेनिक ही होता है। तो यही है बायोमोलिक्यूल के बारे में, उतने ही के बारे में पढ़ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
आई बात समझिए, यहाँ तक जरा सा लिखो, तो यहाँ तक लिखो लिखो ना भाई। लिखा अब आगे देखते हैं। देखिए अब है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो देखो एक चीज, जानते हो सेल जो होता है, सेल की जो जिंदगी होती है, लाइफ साइकिल होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल होती है, सेल की जिंदगी। एक सेल ठीक है वो डिवाइड करता है, दो सेल में कन्वर्ट किया, जाहिर है इतना बड़ा सेल डिवाइड करेगा तो छोटा छोटा सेल बनेगा बनेगा, तो क्या हुआ ठीक है, छोटा सेल बनता है ठीक है। उसके बाद ये सेल खाना पीना खाता है, न्यूट्रिशन लेता है, इसको फिर से इतना बड़ा कर लेता है। तीन स्टेज में होता है ये, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज ये होगा जीवन फेज, एस फेज और टू फेज। और फिर जो है ये जब बड़ा हो जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर जाएगा, फिर वही होगा, इसके साथ भी वही होगा ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर सेल डिवीजन। आप देखेंगे यहाँ देखो ठीक है, सॉरी यहाँ देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि इंटरफेज प्लस सेल डिवीजन। क्या क्या भाई? इंटरफेज प्लस सेल डिवीजन, इसी को आप क्या बोलते हैं, सेल साइकिल कहते हैं ठीक है। सेल साइकिल क्या है, कैसे ग्रोथ होता है, क्या जीवन फेज, एस फेज, जी टू फेज, क्या क्या होता है। जो सेल डिवाइड करता है उसको हम लोग कहते हैं मदर सेल, और जो सेल डिवाइड होकर के जो नया सेल बनता है उसको हम लोग कहते हैं डॉटर सेल। क्या कहेंगे, मदर सेल और डॉटर सेल, क्या ठीक है, है? मदर सेल डॉटर सेल। अब देखिए जैसे कि हमने कितना आसानी से इसको जो है डिवाइड करा दिया, इतना आसानी से ये नहीं होता है सेल का डिवीजन ठीक है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। देखिए देखो पहले ये सेल है ना, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस ठीक है। पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब समझा, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, और कैरियो का मतलब अभी बताया है, क्या मतलब है, न्यूक्लियस। तो पहले जो ये जो सेल है ये, इसका न्यूक्लियस, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है,
और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है ये सब, इसको कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगा और ये चार स्टेज में होगा। कौन कौन सा स्टेज बोलोगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और क्या, टेलोफेज। दिख रहा है क्या लिखा है? टी लिखा है, टेलोफेज, ANA, एनाफेज, META, मेटाफेज, प्रोफेज। कितने स्टेज में किया? फोर स्टेज में। अब बताओ इसका साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस को डिवाइड कर गया है, क्या इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड किया है बीच से? साइटोप्लाज्म वही का वही है, डिवाइड साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड किया है ना। अब इसका साइटोप्लाज्म भी यहाँ से क्या होगा? डिवाइड होगा। जब बीच से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा तो आप बताइए कितना सेल बनेगा? ठीक है, ये कितना बन जाएगा? दो सेल बनेगा। इसी को कहेंगे साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म। तो जो इस तरह से वो डिवीजन होगा। दो तरह का सेल डिवीजन होता है, एक माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ेंगे हम लोग आगे, समझा? तो ये इस तरह से क्या होगा, ये है सेल साइकिल और ये है क्या, सेल डिवीजन। पूरा स्टेज उसे पढ़ेंगे, ठीक है? लिखो इसको, उतारो। ठीक है, आज यहीं तक रहने दो, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तब याद रखना ये सब, आगे यही सब काम आएगा। यहाँ तक रहने तो फिर हम बढ़ेंगे धीरे धीरे।
फिलहाल आप लोग क्लास फिलहाल कुछ दिन तक ऑल्टरनेट करके होगा, ठीक है। और कुछ सर होमवर्क भी दिए हैं, होमवर्क दिए हैं कहाँ से? लॉक से। बुक का नाम बताएं।